दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रॉफिट के, या फिर कहें तो मैनेज इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स के एक अच्छे टॉपिक प्रॉफिट मैनेजमेंट में। जैसे कि आप पहले ही स्लाइड की फोटो में देख रहे हैं, प्रॉफिट किस तरह से बढ़ता है वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। मेनली ये एक टॉपिक इकोनॉमिक्स का, प्रॉफिट मैनेजमेंट किस तरह से होता है किसी कंपनी का, वो कैसे प्रॉफिट को अपनी मैनेजमेंट करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है, प्रॉफिट के लिए पॉलिसी बनाती है, प्रॉफिट की कंट्रोल करती है, क्या फ्रेमवर्क होती है, क्या मेथड होती है, फोरकास्टिंग कैसे होती है, इन सब को आज हम पढ़ेंगे अपनी स्लाइड शो में, एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑन प्रॉफिट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम पहली साइड पर आते हैं, मीनिंग एंड द नेचर ऑफ प्रॉफिट। इन कॉमन पैरासिल्स, प्रॉफिट मीन्स द नेट इनकम ऑफ द बिजनेसमैन। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द टोटल रिसिप्ट द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड इन अ बिजनेस वेंचर। अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति से पूछे कि प्रॉफिट उसके लिए क्या है, तो वो यही कहेगा कि हमारी सारी लागत लगाने के बाद जो हम अपना जो हमारे पास मनी बचता है, जो हमारे पास जो हम जो पैसा बचता है वो हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर किसी बच्चे के लिए पूछे तो उसके लिए प्रॉफिट यही होगा कि अगर वो कोई चीज़ बेचता है तो उसके बाद जो पैसा बचता है और इस अपनी उसकी सारी इन्वेस्टमेंट निकलने के बाद, वो उसके लिए उसका प्रॉफिट है। बट एज पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक्स रिगार्ड प्रॉफिट एज अ फैक्टर रिटर्न लाइक वेजेस इंटरेस्ट एंड रिटर्न। प्रॉफिट इज अ रिटर्न टू द एंटरप्रेन्योर फॉर द यूज ऑफ हिज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। इट बिकम इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट वी मींस बाय रिटर्न फॉर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। आज के दौर में हम देखें बहुत से स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आज के दौर में हम देखें बहुत से नए नए बिजनेस आ रहे हैं। तो अगर हम इंटरप्रेन्योर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम समझेंगे कि जो रिटर्न्स हम अपने सेल्स से, अपने प्रोडक्शन से हम पाते हैं, वो हमारे लिए प्रॉफिट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट चार प्रकार के हैं, जो कि आपको शो हो रहे हैं हमारी दूसरे नंबर की स्लाइड पर। पहला है अर्निंग ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है मोनोपोली प्रॉफिट, तीसरा है इनफ्लो, और चौथा और लास्ट प्रॉफिट एज अ पर्सनल रिवार्ड। सबसे पहले अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट, इट मीन्स सम कंसीडर अर्निंग ऑफ मैनेजमेंट। आई रिपीट, सम कंसीडर अर्निंग ऑफ मैनेजमेंट आल्सो एज अ प्रॉफिट, बट इफ इट वर सो देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड एंटरप्रेन्योर हैव इन कंप्लीट नॉलेज एंड सर्टेनिटी मस्ट आल्सो अर्न वेजेस फॉर हिज एफर्ट। सिंस इवन देयर एज एंटरप्रेन्योर अर्न एट लीस्ट एट नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट कैन नॉट देयरफॉर बी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए एक कंपनी है और वो काम कर रही है, उसका वो प्रॉफिट कमा रही है। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो वो उसका मिनिमम प्रॉफिट है, ऐसा प्रॉफिट जिसके नीचे वो लॉस में रहेगा, ऐसा लिमिट, ऐसी कॉस्ट, ऐसी वैल्यू ऑफ मनी जिसके नीचे वो लॉस में रहेगा। तो अगर वो उस लिमिट के ऊपर कमा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर कमा रहा है, तो यानी वो अर्निंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को करने के लिए, अपनी कंपनी को वेल सिस्टमेटिक वे से चलाने के लिए जो प्रॉफिट होता है वो कहलाता है अर्निंग ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड है मोनोपोली प्रॉफिट। मोनोपोली मान लीजिए एक कंपनी है एक मार्केट में, और उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो सबसे ज़्यादा सेल्स करता है, यानी उसका एक तरह से साम्राज्य है उस मार्केट में। मार्केट की पकड़, मार्केट का स्ट्रांगली इसमें इतना ज़्यादा मार्केट कैप है कि उसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, उसका ही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। तो यानी कि द प्रॉफिट विच वी गेन थ्रू द मोनोपोली नेचर ऑफ एनी कंपनी इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। अब मोनोपोली के बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर है। उसका पहला फैक्टर तो ये है कि उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी होगी तभी वो इतना ज़्यादा मार्केट कैप है। दूसरा, उसकी क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा बनाता होगा, उसका कस्टमर रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी होगी। और चौथी सबसे बात है उसकी प्रॉफिट लिमिटाइजेशन, प्रॉफिट पॉलिसी ऐसी होगी कि वो प्रॉफिट भी कमा ले, उसकी मोनोपोली पॉलिसी भी रहे, और साथ ही साथ लास्ट में वो कस्टमर रिलेशनशिप को इस तरह से बनाए कि उसके कस्टमर उससे डिसएग्री ना हो, उसके प्रोडक्ट से डिसएग्री ना हो। लास्ट में बेनिफिट। अब आप एक मान के चलिए कि एक कंपनी है और उस वो जो रॉ मटेरियल उसको ट्रांसफ़र या मैन्युफैक्चर करके, उसको मॉडिफाइड करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाती है। जब उसने वो रॉ मटेरियल ख़रीदा था, उसकी उस टाइम उसकी इनपुट या रॉ मटेरियल की चार्जेस बहुत ही कम थी, और जब उसने उसको प्रोडक्शन करके कोई नया प्रोडक्ट या नया आउटपुट बनाया और उस आउटपुट को जब उसने बेचा, तो वो जो उसने प्रॉफिट कमाया आउटपुट माइनस इनपुट चार्जेस से, वो उसे बोलता है विंड फ्लो। विंड फ्लो यानी विंड, आपने देखा एकदम से तेज आती है और एकदम से बह के चली जाती है। विंड फ्लो का इस तरह ये प्रॉफिट पॉलिसी या प्रॉफिट जो पॉलिसी है वो यही कहती है कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस विच वी डिड्यूस फ्रॉम द आउटपुट माइनस इनपुट। नाउ द लास्ट फोर्थ वन इज द प्रॉफिट एज अ पर्सनल रिवार्ड। मान लीजिए कोई कंपनी है और वो प्रॉफिट कमा रही है, तो अगर वो प्रॉफिट जो है, मींस अगर हम इसे इंग्लिश अगर हम इसे समझे तो वेजेस आर अ रिवार्ड फॉर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लेबर।
इंटरेस्ट इज इनकम फ्रॉम अलाउंग अदर टू यूज वन मनी. रेंट इज द एक्सेस ऑफ द वैल्यू प्रोड्यूस बाय द प्रोडक्टिव फैक्टर ओवर द पेमेंट रिक्वायर्ड टू इंड्यूस इन टू वर्क. जैसे कि वेजेस जो है, अगर कोई कंपनी में बहुत सारे लेबर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनको जो वेजेस मिलता है एक्स्ट्रा, जो उनके लिए एक्सपेंडिचर होता है कंपनी की तरफ से, वो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, वो उसके लिए प्रॉफिट होगा. इसी तरह अगर हम कोई अपनी लैंड है, कोई अगर हम अपना पैसा किसी को उधार देते हैं, लैंड अपने रेंट पे देते हैं, जो हम उससे प्रॉफिट कमाते हैं, हमारा लैंड तो जा नहीं रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट तो जा नहीं रहा, बल्कि हम उससे अर्निंग ही कर रहे हैं. तो जो हम अर्निंग इस तरह से करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एज अ फर्स्ट मेजर पार्ट. चलिए हम अगली स्लाइड पे आते हैं. इसी जर्नी में जो अगली स्लाइड है वो हमसे ये कहती है कि कॉन्सेप्ट क्या है प्रॉफिट के. अब जब हमारे पास बेस नहीं होगा किसी चीज़ को समझने के लिए, तो हम आगे उसकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए हम बेस समझते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट को आप ऐसा समझ के चलिए कि जनरली बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट जो है वो एक रेसिडुअल इनकम, ऐसा इनकम जो कि सारे पेमेंट को, सारे इन्वेस्टमेंट को निकलने के बाद होता है. तो ग्रॉस प्रॉफिट आप ऐसा मान के चलिए जितना भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं और उसके बाद जो हमारी सेल्स होती है, वो जो हमारी जो सेल्स है वो ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है. मीन्स कि इट इज़ अ प्रॉफिट दैट कंटेन इंटरेस्ट ऑन द एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, रेंट ड्यू टू हिज आउट लैंड used in the business, as well as wages of his all firm. These all are labor charge, all labor work are called gross profit. Net profit हम मान लीजिए, जो कि सिंपल कहें कि हमारा इन्वेस्टमेंट माइनस हमारी इनकम, जो हम जो हमारे पास पैसा बचता है, जो हमारे पास कॉस्ट बचती है, जो हमारे मनी बचता है, वो नेट प्रॉफिट. हमने मान लीजिए कंपनी में हमने टूथपेस्ट बनाया, वो 100 रुपये का बना और हमने उसे बेचा 120 रुपये में. तो 120 रुपये में से जो 100 रुपये हमने घटाया, जो 10-20 रुपये बचे, वो हमारा नेट प्रॉफिट. यानी हमारा इन्वेस्टमेंट को हमारी सेल्स की कॉस्ट से निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है वो नेट प्रॉफिट है. अब थर्ड देख रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. अब नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, पहले तो हम इसे समझते हैं. देखिए नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि अगर एक ऐसी मिनिमम लिमिट जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में रहेगी, अगर उससे नीचे जाएगी तो लॉस में रहेगी, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है. यानी उस लिमिट तक उस कंपनी को अपना प्रॉफिट बना के रखना है, मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट अप टू विच द कंपनी गेन एंड नॉट गो ऑन द लॉस. बट सुपर नॉर्मल, उस नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर अगर वो कुछ और अर्निंग करता है, एक्सेस जो अर्निंग है वो सुपर नॉर्मल है. तो एक्चुअल कॉस्ट से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट हटा दें तो उसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है. ये तीनों चीज़ हमने पढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. चलिए अब हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, चलिए अगले सेट पे चलते हैं. मान लीजिए आपने प्रॉफिट के बारे में जान लिया, बट हमारे पास पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे पास कोई प्लान नहीं है, तो हम पॉलिसी कैसे बनाएंगे, हम पॉलिसी का क्या यूज़ करेंगे, हम कैसे अपने प्रॉफिट को मैनेजमेंट करेंगे, कैसे उसके लिए फोरकास्टिंग करेंगे. इसके लिए हमें पॉलिसी होना चाहिए. कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ फाइनेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई है जो कि ओल्ड और मॉडर्न पॉलिसी दोनों को ही बेसिस पर हैं. कुछ थ्योरीज हैं, कुछ उनके अजम्पशंस हैं, कुछ उनके क्लासिफिकेशन जिस जिस पे पॉलिसी बनती है. पहली से जो पॉलिसी है वो ये हमसे ये बोलती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी किस तरह से काम करेगी. जो प्रॉफिट पहली पॉलिसी हम पढ़ते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉलिसी. इस पॉलिसी के अनुसार जो कंपनी है, जो फर्म है, उसका मेन प्रॉफिट होता है, मेन एम होता है प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाना. एक कंपनी है वो बैग्स बनाती है और उसका काम है वो बैग्स बना रही है, उससे प्रॉफिट. मान लीजिए उसकी लागत जो है इन्वेस्टमेंट है उस बैग को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना, उसको सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट करना, उन सब को करने के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट आई वो आई 10 रुपये पर बैग. और उसने उस बैग को बेचा 50 रुपये में, तो वो उसे 20 रुपये में बेच सकता था तब भी प्रॉफिट था, 40 रुपये बेच सकता तब भी प्रॉफिट था, उसने बचाया बेचा 50 रुपये में. तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना विद लेस नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट, विद लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है. इसमें हम ये देखते हैं कि जो पॉलिसी है वो मैक्सिमाइजेशन पर ट्रेंड है, मतलब वो मैक्सिमाइजेशन पर ही फोकस कर रही है. कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाएं विद द लेस नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट. चलिए अगे अब मान लीजिए कोई पॉलिसी आती है, कोई टर्म्स और कंडीशंस आते हैं, कोई रूल्स और रेगुलेशन आती है, तो उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों हैं. यहाँ पे डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो इस कंडीशन में ये है, दिस थ्योरी इग्नोर्स द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फैक्टर. रिस्क भी है, अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें रिस्क रहता है. मान लीजिए कोई नया कॉम्पिटिटिव आ गया जो कम रेट में वही क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन आ गया, मान लीजिए कि आप उतने ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, मान लीजिए महंगाई है, आपका कस्टमर बेस कैसा है, ये सारी पॉइंट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है. सिर्फ इन्हें कहा कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हमें करना है.
ना सेकेंड पॉइंट इज दिस थ्योरी आल्सो इग्नोर टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर कैसा हो सकता है, मान लीजिए अगर एक कंपनी है जो क्रैकर्स बनाती है तो उसकी जो सेल्स है वो हमेशा ओवरऑल एक न्यूट्रल वेव पे नहीं चलेगी, कभी वो बहुत ज़्यादा हाई पे रहेगी। जैसे दिवाली में क्रैकर बना रही तो दिवाली में बहुत चलेंगे, शादी है ब्याह है तो उस टाइम क्रैकर बहुत ज़्यादा होंगे। शादियों में आप देखते हैं क्रैकर बहुत चल रहे हैं और वो चलते भी हैं, पुराने जमाने से चल रहे हैं, या फिर किसी का कोई स्पेशल फंक्शन है तभी क्रैकर है। बट आप अगर कहें होली पे क्रैकर चलाएं तो होली पे रंग का बिजनेस होगा, अगर आप कहें रक्षाबंधन पे क्रैकर चलाएं तो वो नहीं है। तो ये एक टाइम फैक्टर भी है कि आप उस टाइम मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट कर पा रहे हैं या नहीं। थर्ड नंबर पे है कि इट इज़ अ वैक्यू पॉलिसी बिकॉज इट डज नॉट शो द क्लियर पिक्चर। ये एक एजम्पशन बेस्ड पॉलिसी है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, बट करना कैसे, उसकी मैक्सिमाइज वो कैसे करेगा, क्या कंपनी ऐसा कर पाएगी। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि उसी बेस पर उसी क्वालिटी पर उसी सारे स्टैंडर्ड पर कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो वो दूसरी कंपनी है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सोच पा रही है, तो क्या कस्टमर उसके बीच जा पाएगा? नहीं, कस्टमर डेविएट होगा और दूसरी कंपनी की तरफ जाएगा, क्योंकि वही कंपनी उसी बेस पर उसी प्रोडक्ट क्वालिटी पर दे रही है वही प्रोडक्ट। और साथ ही साथ कई बार आपको ये भी देखना पड़ता है कि कस्टमर बेस क्या है। आपका कस्टमर हमेशा हमेशा रिच नहीं रहेगा, वो कई बार गरीब भी होगा, कई बार मॉडरेट फैमिली से भी होगा, उसका एक नॉर्मल स्टेटस भी आपको देखना हो, तभी आप मैक्सिमाइजेशन कर पाएंगे। तो आपने ये देखा कि इसमें लिमिटेशन बहुत हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बट ये भी एक पॉलिसी है और पॉलिसी बनती है क्योंकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए अगली पॉलिसी पे आते हैं, फेयर प्रॉफिट पॉलिसी। अगली हमारी जो पॉलिसी है वो है फेयर प्रॉफिट, एक ऐसी पॉलिसी जो किसी के अनबायस ना हो, जिस किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। नाउ अडेज फर्म्स आर अडॉप्टिंग सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट पॉलिसी विच फर्दर मोटिवेट द फर्म टू रिमेन इन द बिजनेस। मान लीजिए आपने कल के दिन एक चाय की बिजनेस का आपने खोला और आप चाहेंगे कि आपकी चाय सिर्फ 2 महीने या 3 महीने ना बिके, आप चाहेंगे कि चाय ज़्यादा से ज़्यादा चले, तो ये पॉलिसी इसी बेस पर है कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड के लिए रहे, बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करे, हम इस पॉलिसी के बेसिस से निकाल सकते हैं। इस पॉलिसी से हम ये हेल्प हमारे लिए, द फर्म जनरली अडॉप्ट दिस पॉलिसी फॉर द फॉलोइंग रीजन। इट इनेबल द फर्म टू स्टे अलाइव। जैसे हमने बताया कि लॉन्ग बिजनेस और लॉन्ग टाइम के लिए ये फर्म बहुत और बहुत ही पॉलिसी बहुत हेल्पफुल है। इन केस इफ अ फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल हमने बताया था मिनिमम प्रॉफिट से अगर ज़्यादा जो हम प्रॉफिट कर रहे हैं, तो अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है, तो अगर इन केस इफ अ फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इट विल अट्रैक्ट द फर्म टू एंटर इन टू अ मार्केट। मान लीजिए एक फर्म है और वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, अन कर रही है, और वो चाहती है कि अब वो मार्केट कैप और ज़्यादा बढ़ाए, तो उसके लिए वो प्रेयर। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेंगे तो कस्टमर आप कुछ दिन तो खरीदेंगे आपका प्रोडक्ट, पर उसके बाद सोचेंगे यार इसकी महंगाई बहुत महंगा बहुत प्रोडक्ट है, और हमारे पास दूसरा भी हमारे पास जो कंपटीशन है या फिर दूसरे जो कंपनी है वहाँ से हम खरीद लेते हैं। मगर आपको अगर लार्ज मार्केट में वर्क करना है, आपको रिटेन रहना है मार्केट में, तो ये पॉलिसी आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एक ऐसा माना जाता है कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो उसकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा लेबर, क्योंकि विदाउट लेबर विदाउट एम्प्लॉयज़ कंपनी कैन नॉट स्टे इन अ मार्केट। सो हियर अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं तो आपको लेबर चार्ज, आपको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़ानी होगी। इन सबको देखते हुए ये पॉलिसी ज़्यादा हमारे लिए फेवरेबल है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर हर तरह के कस्टमर हैं, मॉडरेट लोअर और हाई इनकम लेवल स्टेटस कस्टमर। साथ ही साथ सोसाइटी के लिए वेलफेयर है, हर तरह का, जैसे मैंने आपको बताया कि हर तरह के लोग रहेंगे तो हर प्रकार का मैं अपने कस्टमर बेस बनाना होगा। तो आपने ये दोनों पॉलिसी पढ़ ली है। चलिए अब हम अग्नि जलनी के अग्नि टास्क की तरफ बढ़ते हैं, और ये अगला जो पॉइंट है, अगला स्टेप्स है, अगला जो स्टेयर है अपनी हमारी जर्नी की, वो ये कहती है कि प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मान लीजिए आपने पूरी प्लानिंग पॉलिसी पढ़ ली, आपने बोल लिया कि हमें प्रॉफिट कमाना है, बट उसकी प्लानिंग नहीं, विदाउट प्लानिंग विदाउट गोल्स इट्स लाइक अ लाइफ विदाउट अ रेस और लाइफ विदाउट द रेस लाइन। अगर कोई व्यक्ति कोई घुड़सवार दौड़ता जाएगा, उसे ये नहीं पता उसे दौड़ना कहाँ है, तो सिर्फ दौड़ता रहेगा, आखिर में थक जाएगा। ये कंपनी के साथ होता है, तो इसलिए हमें एक प्रॉफिट प्लानिंग कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ चार हैं जो एरोग्राफ से आप देख सकते हैं, एरो डायग्राम से देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टेबलाइजिंग द प्रॉफिट गोल, सेकंड डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेड सेल्स वॉल्यूम, थर्ड इज एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस, एंड फोर्थ इज डिटरमाइनिंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सॉरी हाँ प्रॉफिट प्लानिंग कंट्रोलिंग अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेबलाइजिंग द प्रॉफिट गोल। मान लीजिए हमारे पास एक गोल है
हम उसके अंदर राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो कभी ना कभी हम उस गोल को अचीव कर लेंगे। बच्चे जो हैं, अगर आप एक देख के चले एक व्यापारी है, तो वो ये सोच कर जाएगा कि आज पूरे दिन भर में मुझे 10 पैकेट अपने बिस्किट की बेचनी है। तो इसका गोल है, अगर हमारे पास गोल ही नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग में भी गोल होते हैं, इसी तरह प्रॉफिट का भी एक गोल है। हर चीज़ में गोल है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में एक गोल होता है। तो यहाँ पर हम गोल बताता है, इट इम्प्लाइज द प्रॉफिट गोल शुड बी सेट इन अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक अथॉरिटिकल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग होती है जिसके बेस पर हम अपने गोल को अलाइन करते हैं और जिसके गोल को हम सेट करते हैं, वो रियलिस्टिक नेचर का होना चाहिए। इसमें आप सेकंड लाइन में पढ़ सकते हैं, द प्रॉफिट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रियलिस्टिक इन नेचर एंड बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी एंड द रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कंपनी है, उसका उसने प्रॉफिट कमाया 10,000 रुपये का फरवरी के महीने में, और वो सोचती है कि हम मार्च के महीने में 20,000 की जगह सीधे 1 लाख का प्रॉफिट कमा लें। तो क्या आपको लगता है वो इतना कमा लेगा? क्योंकि उसके पास उतनी सेल्स होनी चाहिए, उसके बाद उतना मार्केट कैप होना चाहिए, तभी वो इतना गोल बन गया। यानी गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, वो गोल जो आप उसको अचीव भी कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ योर रिसोर्सेज एंड योर एम्प्लॉयज योर वर्कर्स। यानी कि गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, स्ट्रेटजिकल होना चाहिए और विद प्लान्स होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड फेज जो है इसका, वो है डिटरमाइनिंग एक्सेप्टेड सेल्स वॉल्यूम कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द प्रॉफिट प्लानिंग प्रोसेस। सबसे मेन सेल्स वॉल्यूम कैसे आप क्या हेल्प करता है प्रॉफिट प्लानिंग के लिए। मान लीजिए अगर आपकी आज कंपनी है वो सेल कर रही है, तो आप चाहते हैं कि अभी आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो कंपनी आज से 2 महीने बाद, 2 साल बाद, या फिर 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, के पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो आप चाहते हैं कि ये गोल वो गोल आप सेट कर लें। तो उसके लिए, उस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको सेल्स करना होगा। जब तक आप सामान बेचेंगे नहीं, तो आप प्रॉफिट कैसे अर्न होंगे? तो यानी सेल्स वाले आपके पास होना चाहिए कि हमें इतना पर्टिकुलर लिमिट तक सेल्स तो करनी है, तभी हमें प्रॉफिट कमा पाएंगे। विदाउट सेल्स प्रॉफिट इज लाइक एग विदाउट करी। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टिमेट इट एक्सपेंसेस। देखिए, मान लीजिए आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं और आपने प्रोडक्शन शुरू किया, तो उसमें एक्सपेंसेस होंगे, लेबर चार्ज, रॉ मटेरियल चार्ज, प्रोडक्शन चार्ज, मार्केटिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो इसमें हर किसी की एक बजटिंग हम बनाते हैं, चाहे वो नॉर्मल हाउस वाइफ हो, चाहे वो इंडियन फैमिली हो, चाहे वो कहीं कोई भी फैमिली हो, हम बजटिंग करते हैं कि हमें इतना तक एक्सपेंसेस करना है, उसके बाद इतना तक हमें अपना सेविंग करना है। इस तरह कंपनी का भी यही है, एक्सपेंसेस वो उसे एस्टिमेट करना होगा कि वो इतने हद तक एस्टिमेट लेकर चल रहा है कि वो एक्सपेंसिव इतना करेगा। मान लीजिए वो 10 रुपये एक बैग पे खर्च करता था, तो उसे आगे चल के 12 रुपये से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। हो सकता है कि कस्टमर उस सेलिंग प्राइस पर वो ना खरीद पाए और उसका पूरा प्रॉफिट का जो पॉलिसी है या फिर प्रॉफिट प्लानिंग है वो गड़बड़ हो जाए। यानी आपको एक्सपेंसिव लेके चलना ही होगा, उसकी एस्टिमेशन लेके चलनी ही होगी। डिटरमाइन द प्रॉफिट, इट हेल्प इन एस्टिमेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सेल्स। जैसे मैंने बताया, विदाउट सेल्स प्रॉफिट आप नहीं निकाल सकते, विदाउट प्रॉफिट आप सेल्स को नहीं करते। यानी दोनों ही दो फेसेस है कॉइन के, तो आपको सेल्स निकालना है तो आप प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट निकालना है तो आप सेल्स, दोनों ही के द्वारा दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। चलिए, लास्ट में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये शो करता है कैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे वाला फॉर्मूला ये है, प्रोजेक्टेड सेल्स इनकम, जो हम सेल्स लेके चल रहे हैं उसको प्रोजेक्टेड जो हमने लिया वो, माइनस एक्सपेंसेस, तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट माइनस हमारा जो इनकम होगी वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। अगले पे आते हैं, इसी का एक पॉइंट हम ले रहे हैं, प्रॉफिट कंट्रोल। हमारी जर्नी का नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट कंट्रोल। देखिए, आपने प्रॉफिट पॉलिसी बना ली, आपने प्लानिंग कर ली, अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये क्यों हम करते हैं। एक कंपनी है, मान लीजिए वो बैंगल्स बनाती है, चूड़ियाँ बनाती है, और वो चूड़ियाँ बना रही हैं, उसका एस्टिमेशन है कि मेरा ये इतना इतना प्रॉफिट होना चाहिए। विदाउट गोल वो सोच रही है, उसने सोचा कि मैं जो चूड़ी बना रहा हूँ उससे मुझे 10,000 का, मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, बट उसका प्रॉफिट हुआ 95,000 रुपये का, 95,000 का। तो वो उसकी पॉलिसी हम कैसे निकालेंगे, कैसे हम कितना कर पाएंगे, कितना हमें मिलेगा, एक्चुअल सिचुएशन वर्सेस एज्यूमिंग सिचुएशन, इन दोनों के बीच में अगर हमें कंपेरिजन करना है, उसकी स्टडी करना है, तो वो प्रॉफिट कंट्रोल से होता है। आफ्टर प्लानिंग प्रॉफिट सक्सेसफुली एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंट्रोल द प्रॉफिट। प्रॉफिट कंट्रोल इन्वॉल्व मेजरिंग द गैप बिटवीन एस्टिमेटेड लेवल एंड एक्चुअल लेवल ऑफ प्रॉफिट। हमने जितना सोच के चला वो, और उसके बाद हमें जो जितना मिला वो, उसके बीच का जो गैप है वो मेजर करने के लिए हम कंट्रोल प्रॉफिट। जैसे हमने आप चूड़ी का एग्जांपल दिया, सबसे पहले इसमें दो पॉइंट है, पहला कंपेयरिंग द एस्टिमेट विद द गोल, इन्वॉल्व कंपेयरिंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट विद द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हमने
एक प्रॉफिट लेके चला था कि हम 1 लाख रुपए चूड़ी के बिजनेस से कमाएंगे, बट हमें मिला 9 लाख, सॉरी सॉरी 95,000 का हमें प्रॉफिट मिला। अगर ये गैप ज़्यादा होता तो हम सोच के चलते कि हमारा जो प्रॉफिट कंट्रोल है, जो पॉलिसी है, जो प्लानिंग है, वो गड़बड़ दिशा में जा रही है। क्योंकि प्लानिंग के बाद ही हम कंट्री निकलते हैं। हम एक बार अगर कहीं जा रहे हैं तो एकदम से सारा एक साथ नहीं दौड़ जाते, धीरे 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 हम प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से कंट्रोल करते हैं कहाँ कितना दौड़ना है, कहाँ तेज दौड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पर रेस्ट लेना है। तो ये सारी प्लानिंग प्रॉफिट में भी है, ये सारी कंट्रोलिंग प्रॉफिट के केस में भी है। तो हम अगर किसी चीज़ को लेके चलते हैं, उससे अगर हम कम आ रहे हैं, अगर हमारा जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है वो कम आ रहा है, तो वो हम प्रॉफिट कंट्रोल से। मान लीजिए चूड़ी के बिजनेस में मैंने आपको बताया 1 लाख रुपये हमने कमाया, हमारा प्रॉफिट था, और 95,000 हमने कमाए, तो हम सही प्लान पे सिर्फ 5,000 का ही अंदर आए, यानी हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। मगर वही हम 1 लाख रुपये चल के चलते और हमारा प्रॉफिट होता है 40,000 रुपये, तो हमारी कंट्रोलिंग, हमारी प्लानिंग पूरी कराती है, यानी कि हम जो स्टेप ले रहे हैं वो सही दिशा में है कि नहीं, वो हमारा प्रोडक्शन सही जा रहा है कि नहीं, वो हमारी रिज्यूमिंग सही जा रही है कि नहीं, ये सब कुछ चेक करने के लिए प्रॉफिट प्लानिंग या प्रॉफिट कंट्रोलिंग दोनों ही पॉलिसी यूज होती है। सेकेंड, इट मेक चेंज इन यूजिंग अल्टरनेटिव्स टू अचीव द डिजायर प्रॉफिट। अब आप इसको ऐसा देख सकते हैं, मेकिंग चेंज इन प्लानिंग सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीजिंग सेल्स प्रमोशन, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोवाइडिंग द बेटर सर्विस, प्रोवाइडिंग सेल्स आफ्टर। मान लीजिए आपने एक कंपनी है और आप उससे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए आप एक मिठाई की दुकान है और आप गुजिया भी बना रहे हैं, आप कलाकंद भी बना रहे हैं, आप छेने की मिठाई भी बना रहे हैं, मगर आपने मान लीजिए छेने की मिठाई से पर केजी 100 रुपये की प्रॉफिट कमाई, और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो गुजिया है वो भी इतने प्रॉफिट पे आ जाए 100 रुपये की, तो आप जो कलाकंद की मिठाई है, जो छेने की मिठाई से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे गुजिया की मिठाई के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो ये प्लानिंग होती है कि कैसे हम एक प्रॉफिट प्रोडक्ट के प्रॉफिट को दूसरे प्रोडक्ट के प्रॉफिट में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम कस्टमर को सेट। जैसे मान लीजिए एक फ्रिज कंपनी जो फ्रिज बनाती है, वो जो प्रॉफिट कमा रही है वो उसका यूज़ करेगी फ्रिज को आफ्टर सेल्स, फ्रिज को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, फ्रिज का इंस्टॉलमेंट, फ्रिज का मेंटेनेंस, फ्रिज की रिपेयरिंग, ये सारा चार्ज जो है वो कंपनी उस प्रॉफिट से ही वसूलती है। वो जो सारा चार्जेस है वो कंपनी उस प्रॉफिट से ही यूज़ करके अपना जो एक्टिविटीज़ है वो करती है। जैसे गुजिया का मैंने बताया, जैसे कि मैंने आपको फ्रिज का बताया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का बताया। डेली लाइफ में आप देखें, आप कोई फ्रिज अगर अपने घर में लगवाएं तो उसके चार्जेस लिए जाते हैं। वो सारा प्रॉफिट की प्लानिंग, प्रॉफिट प्रोग्रेस्टिंग, प्रॉफिट मैनेजमेंट की एक पॉलिसी है। सेकेंड पॉइंट है रिड्यूसिंग द प्लांट एक्सपेंसिस बाय मिनिमाइजिंग द लॉसेस, इंप्लीमेंट द बेटर कंट्रोल सिस्टम, इंप्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। सारी की सारी इसमें आ जाती है, प्रोडक्ट क्वालिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप प्रोडक्ट कमा रहे हैं, प्रॉफिट प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो आप चाहेंगे कि आपके साथ जो काम करने वाली मशीन है उसके रिपेयर मेंटेनेंस में कमाएं, क्योंकि आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट है, जो नेट इनकम है, वो तो चला गया आपका पूरा उस इनकम को ही, इन्वेस्टमेंट को ही आगे बढ़ाने के लिए। बट जो आप प्रॉफिट कमाते हैं वो मशीन की रिपेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सारा प्रॉफिट से ही हम देखते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए, आपने प्रॉफिट प्लानिंग कर ली, कंट्रोलिंग कर ली, पॉलिसी पढ़ ली, आपने प्रॉफिट पढ़ लिया, बट अब आप चाहते हैं कि अभी तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप चाहेंगे कि आज से 10 साल बाद में भी प्रॉफिट कमाओ, उसके लिए मुझे अभी से क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए फोरकास्टिंग होती है। अभी तो हम पढ़ेंगे प्रॉफिट फोरकास्टिंग मेथड। फोरकास्टिंग दो वर्ड से बना हुआ, फोर प्लस कास्टिंग। कास्टिंग का मीन्स होता है हिंदी में बिल्ड करना, इंग्लिश में होता है बिल्ड करना, बनाना, और फोर मतलब होता है फ्यूचर। फ्यूचर के रिस्पेक्ट को देखते हुए, फ्यूचर को एज अ बेस देखते हुए फोरकास्टिंग करना, किस चीज़ को बनाना, किस चीज़ को स्टेप्स लेना, कोई प्लानिंग करना, वो फ्यूचर फोरकास्टिंग है। जैसे कि आप देखें वेदर फोरकास्टिंग होता है, उसके बाद फिर इलेक्शन फोरकास्टिंग होता है, हम डे टू डे फोरकास्टिंग करते हैं कि यहाँ से 2 दिन बाद हवा चलेगी और ठंड आ सकती है, या फिर आप नॉर्मल फोरकास्टिंग करते हैं, ऐसी प्रॉपर में फोरकास्टिंग होता है। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट प्लानिंग कैन नॉट बी डन विदाउट प्रॉपर फोरकास्टिंग। प्रॉफिट फोरकास्टिंग मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर अर्निंग आफ्टर कंसिडर ऑल द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द साइज ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, सच एज फर्म प्राइसिंग पॉलिसी, कॉस्ट पॉलिसी, जो फर्म की प्राइसिंग पॉलिसी है, किस तरह से अभी वो किस रेट में बेच रहा है, उसकी होलसेल रेट क्या है, उसकी रिटेल रेट क्या है, वो क्या पॉलिसीज हैं। देन कॉस्टिंग पॉलिसी, वो जो जो कॉस्टिंग करता है, किस बेसिस पर वो क्या क्या चार्ज इन्वॉल्व करता है, क्या क्या चार्ज वो हटा देता है प्रोडक्शन के दौरान, वो सारी पॉलिसी इन सब में डिपेंड करती है।
किसी भी बिजनेस को करने के लिए, एस्टिमेशन को निकालने के लिए, फ्यूचर के प्लानिंग को करने के लिए फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है, और ये टाइम बेसिस पर भी होता है और आपके साथ साथ आपके प्रोडक्ट बेसिस पर भी होता है, एज वेल एज एरिया बेसिस पर, प्रमोशन बेसिस पर। ये सारी फोरकास्टिंग की वेरिएबल फैक्टर्स हैं जो हम प्रॉफिट में भी देखेंगे और नॉर्मल बिजनेस साइकिल्स में भी देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये पिक्चर स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक एरो है, वो धीरे धीरे नंबर ऑफ बंडल्स के इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ रहा है। ये कि हमें क्या शो हो रहा है, मान लीजिए कंपनी थी वो पहले ईयर में उसने एक बंडल रुपीज़ का या करेंसी का कमाया, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो मनी हो, रुपी हो, या कुछ भी हो। तो पहले ईयर में 2001 में मान लीजिए उसने एक बंडल, कोई अमाउंट है बंडल का, वो कमाया, उसने फोरकास्टिंग की, उसने प्लानिंग की, और फिर अगले साल उसने 3 बंडल कमाए, फिर तो उसके बाद और बंडल कमाए, नंबर ऑफ बंडल्स बढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट ही बढ़ रहा है, बंडल्स ही बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर आप फोरकास्टिंग करके चलें, यानी आप प्लानिंग करके चलें, तो आपको ये पता चलेगा कि विदाउट विथ प्लानिंग योर प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे, ईयर बाई ईयर, बट टाइम टू टाइम। चलिए आगे आप आते हैं, अप्रोचेस टू प्रॉफिट फोरकास्टिंग। यहाँ पर कुछ अप्रोचेस दिए हुए हैं, कुछ प्रोसेस दी हुई है, जहाँ पर हम कैसे सिस्टम से, कैसे मेथड से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो प्रॉफिट फोरकास्टिंग इज इंडिपेंसिबल फॉर प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट फोरकास्टिंग मीन्स प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर फोरकास्ट प्रॉफिट, एज्यूमिंग द फैक्टर लाइक ग्रोथ ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस, द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द फर्म, द कॉस्ट कंट्रोल पॉलिसी, डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन। इट ऑल्सो नेसेसरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिकल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म टू प्रोजेक्ट फॉर सर्टेन एरिया द ग्रोथ ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन कॉस्ट एंड सब्सिक्वेंट द प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इकोनॉमिकल हेल्थ अपनी बिजनेस की, अपनी कंट्री की, अपनी खुद की, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी ऑफ फर्म या कंपनी या मार्केट में चाहते हैं, तो उसे फोरकास्टिंग करना होगा। हर साल हर दिन एक नई कंपनी आ रही है, उसको देखते हुए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, मार्केट कैप को देखते हुए हम फोरकास्टिंग करेंगे, तो हमारे लिए फ्यूचर में रिस्क कम होगा। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि फोरकास्टिंग का, कि हमारे लिए रिस्क प्रोन एरिया, रिस्क प्रोन कंडीशन, सिचुएशन, टाइम, वो सारा कम होने लगता है। चलिए अकॉर्डिंग टू जॉन डी इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने 3 अप्रोचेस दिए हुए हैं प्रॉफिट फोरकास्टिंग का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पॉट प्रोडक्शन, फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मेन एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग मेथड, ब्रेक इवन एनालिसिस। चलिए यहाँ पर जो फोटो है, जो पिक्चर है, वो शो करती है ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस। एक कंपनी है और वो कोई प्रोडक्शन कर रही है, वो ऐसे तो वो ब्रेक इवन एनालिसिस हमें ये बताती है कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कंपनी ना तो लॉस में रहे, ना ही प्रॉफिट में रहे। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंपनी ना लॉस में हो, ना प्रॉफिट में हो, उसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंपनी ना तो लॉस में रहे, ना प्रॉफिट में रहे, उसे टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल इनकम हो जाए, दोनों इक्वल इक्वल हो जाए, तो वो कहलाता है ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ आ बिजनेस और कंपनी। चलिए अब हम सबसे पहले मेथड पढ़ते हैं स्पॉट प्रोडक्शन। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, इट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्टिंग द एंटायर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इसको प्रोजेक्शन करते हैं। मान लीजिए आज से 5 साल बाद कंपनी कितना प्रोजेक्शन लेके चल रही है कि वो लॉस में रहेगी या फायदे में रहेगी, या 3 साल बाद, या 5 साल बाद, या 2 महीने बाद, किसी पर्टिकुलर टाइम फिक्स पीरियड के लिए अगर वो लेके चल रही है, तो उसे हम बोलते हैं स्पॉट प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर दिस पीरियड डिपेंड ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड प्राइस ऑफ द सेम पीरियड। मान लीजिए कंपनी है और वो मान लीजिए पेन ड्राइव बनाती है, और वो पेन ड्राइव बना रही है, तो वो पुराने समय का फोरकास्टिंग लेके चलेगी कि वो पिछले आज से 3 साल पहले उसकी सेल कितनी बढ़ी, उसे कहाँ कहाँ लॉसेस हुआ, उसके कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, उसे आज क्या क्या कॉम्पिटिटिव उसके लिए उस मार्केट में आ सकते हैं, क्या क्या न्यू फीचर्स हैं, वो सारा प्रोजेक्शन जब वो लेके चलता है, सारे पास्ट एक्सपेंसेस, सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, सारे पास्ट मेथड्स को लेकर अगर वो फ्यूचर की फोरकास्टिंग करता है, तो उसे स्पॉट प्रोजेक्शन, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेकर, अगर किसी फिक्स टाइम पीरियड को लेकर वो प्रोजेक्शन कर रहा है, फोरकास्टिंग कर रहा है, तो उसे हम स्पॉट प्रोजेक्शन के अंदर मानेंगे। सेकेंड पॉइंट है, सिंस प्रॉफिट आर सरप्लस रिजल्टिंग फ्रॉम द फोर्सेज दैट शेप डिमांड फॉर द कंपनी प्रोडक्ट एंड गवर्न द बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट, देयर प्रोडक्शन आर सब्जेक्टेड टू वाइड मार्जिन ऑफ एरर। यहाँ पर एरर के चांसेस भी होते हैं। मान लीजिए हम ये सोच के चले थे कि हमारा प्रॉफिट इतना होगा और प्रॉफिट इतना हुआ नहीं, तो कई बार एरर के चांसेस भी हो जाते हैं, और कई बार वो हमारा फोरकास्टिंग सही भी हो जाता है। इनकम स्टेटमेंट
प्रीवियस और प्रेजेंट, ये दोनों पर ही हमारे सारा प्रॉफिट फोरकास्टिंग होती है। अब यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं, जो फैक्टर्स हैं जो कि कैसे किसी कंपनी के प्रॉफिट को, उसके रेवेन्यू को, उसके इन्वेस्टमेंट को चेंजेस करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं वो कैसे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मार्केट शेयर, सॉरी आई एम सॉरी, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर होता है कंपनी का उस मार्केट में, उस कंपनी का उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ मार्केट में उसका कितना कस्टमर बेस है। एक कंपनी अगर किसी कस्टमर बेस को कैलकुलेट करे, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन द मार्केट, तो वो उसका मार्केट शेयर होगा। तो जितना ज़्यादा मार्केट शेयर होगा उस कंपनी का उस मार्केट में, उस कंपनी का उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा सेल होगा, जितना सेल होगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाएगा। तो ये पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है ब्रांड इमेज। दो कंपनी है, पहली कंपनी की ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, वो बहुत सालों से प्रोडक्ट बना रही है, उसकी क्वालिटी सर्विस बहुत अच्छी है, उसकी मार्केट कैप बहुत अच्छा है, कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, तो उसकी सेल ज़्यादा होगी और वो स्वाभाविक बात है कि वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगा। दूसरी कंपनी का अभी नई नई है, मार्केट भी इतना अच्छा नहीं है, तो प्रॉफिट के चांसेस भी कम रहेंगे। कॉम्पिटिशन, मान लीजिए एक ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिसमें कंपटीशन का कम चांसेस हैं, और आप वहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर कम हैं, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है और आपकी सेल्स बढ़ेगी। स्वाभाविक बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटर कम है तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो जैसे हमने पढ़ा था, सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो सेल्स बढ़ती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कॉम्पिटिशन अगर कम है तो आपकी सेल्स ज़्यादा होगी। प्रॉफिट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लॉन्ग लाइफ तक चल रहा है, तो उसकी चांसेस, उसकी क्वालिटी के बेसिस पर उसकी सेल्स बढ़ जाती है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट वेरिएबल फैक्टर है, या फिर एक ऐसा पॉइंट है जो डायरेक्टली नहीं करता, बट इनडायरेक्ट वे में वो उसके प्रॉफिट को, उसकी कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाता है। इकोनॉमिकल ग्रोथ, किसी कंट्री में, किसी एरिया में, किसी मार्केट में इकोनॉमिकल ग्रोथ अपने चरम पर है, अपने फुल रेस में है, फुल स्पीड में है, तो उसकी सेल्स भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड एनालिसिस बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो इस बेसिस पर उसकी जो मैंने बताया सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट ऐसा हम फैक्टर है जो कि प्रॉफिट को इंडिपेंडेंट वे में या इनडायरेक्ट वे में फैक्टर को अफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लग रहा है, तो उसका स्वाभाविक बात है कि उसका इन्वेस्टमेंट कम होगा, उसकी प्राइस कम होगी, प्राइस कम होने की वजह से जो कस्टमर है वो उसकी तरफ डेविएटेड होंगे या उसकी तरफ खींचे आएंगे, और वो उसकी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ने की वजह से उसकी जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगी। यानी इन्वेस्टमेंट कम है तो आपकी सेल्स स्वाभाविक बात बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी स्वाभाविक बात है कि बढ़ेगा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। हमारी जर्नी का अगला पॉइंट जो है, जो हम इस जर्नी को पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट मैनेजमेंट, उसी के अंदर जो अगला मेथड है फोरकास्टिंग की वो है एनवायरमेंटल एनालिसिस। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो हमने पढ़ा कि प्रॉफिट कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, एक नॉर्मल पर्सन के रिस्पेक्ट में, इकोनॉमिक्स पर्सन के, इकोनॉमिस्ट के व्यू में हमने पढ़ा कि प्रॉफिट पॉलिसी कैसे कैसे होती है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, हम कैसे कैसे इसको पढ़ सकते हैं, हम सब कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आप ये पीपीटी देख रहे हैं, डॉक्टर हरी सिंह गौर की एक केएमबी डिपार्टमेंट की ये पीपीटी है, जिसके अंदर हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो अगला पॉइंट जो है वो एनवायरमेंटल एनालिसिस, इट रिलेट द कंपनी प्रॉफिट टू की वेरिएबल इन द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द रिलीवेंट पीरियड। द की वेरिएबल आर जनरल बिजनेस एक्टिविटी एंड द जनरल प्राइस लेवल। These are external to the company. These factors are beyond the control of the firm and force the firm to abandon the profit maximizing goal. In reality, factors that control profit have a tendency to move in a regular related pattern. एनवायरमेंटल एसेस हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बिजनेस जनरल एक्टिविटी होती है उस बेसिस पर हमने जो कितना हमारा क्या चार्जेस आए अपने बिजनेस को रन करने के दौरान, हमारा रेंट क्या, अगर हम रेंट पे लिए हुए बिजनेस की प्लेस लैंड को, तो वो हमारा चार्जेस क्या क्या हैं, हमने अगर किसी को लोन लिया हुआ है तो उसमें हमारा कितना इन्वेस्टमेंट गया, हमें कितना लोन पे करना है, वो डिफरेंट फैक्टर विच आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट, वो जो चीज़ जो एनवायरमेंटल एंड अराउंड द बिजनेस एक्टिविटी, जो सराउंडिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो फैक्टर हैं, वो सारी चीज़ एनवायरमेंटल एनालिसिस में आ सकती है। यानी वो सारी चीज़ को भी मिला लेना जो कि डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये एक रेगुलर और रिलेटेड पैटर्न होता है जिसमें फैक्टर्स मूव करते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है, और ये पिक्चर हमें बताती है एक जार और पानी की कॉम्बिनेशन से कैसे एक बिजनेस या एक कंपनी कैसे प्रॉफिट में होता है।
मान लीजिए एक इंसान है, उसने एक जार में पानी भर दिया हुआ है, जैसे कि आप शो में पहला जार जो है पानी भरा, वो इनकम है। एक कंपनी थी, एक इंसान था, वो उसकी होटल की या रेस्टोरेंट है, और उसका जो इनकम है वो इनकम है जो उसकी सारी, चाहे वो जैसे मान लीजिए वो समोसे बनाता है। बहुत सिंपल मैं आपको रिलेवेंट एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि आपको डे टू डे लाइफ एग्जांपल से इंसान जल्दी समझता है, इसलिए कुछ लोगों को लगेगा कि वो बहुत ही कैसे एग्जांपल है, इसलिए मैं डे टू डे लाइफ के एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए एक इंसान है जिसकी समोसे की दुकान है, उसका होटल या रेस्टोरेंट है, वो समोसे बनाने के बाद जो उसकी इनकम आई, वो जो इनकम होती है उसमें बहुत सी चीज़ें, जैसे पानी है, पानी में O2 भी होता है, एच हाइड्रोजन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, विटामिन भी होते हैं, वो सारी चीज़ें। ये कॉम्बिनेशन इसलिए हमने पानी का लिया है क्योंकि वो भी एक रिलेवेंट एग्जाम्पल है हमारे प्रॉफिट के केस में। तो उसने समोसा बनाया, तो समोसा के लिए उसकी जो लागत है, उसका जो जो लेबर चार्ज है, जो रॉ मटेरियल है, आलू मसाले, जो जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी चीज़ जो हमने इसमें इंक्लूड की, वो सारी इन्वेस्टमेंट एज वेल एज उसकी सेल प्राइस जो सब जुड़ने के बाद आई, वो इनकम हो गई। कॉस्ट जो हम निकालते हैं वो मान लीजिए फाइनेंशियल कॉस्ट, मशीनरी एंड लेबर कॉस्ट, ओवरहेड एंड इनपुट कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट मतलब किराया, जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो यानी आलू मसाले तेल नमक और जो इंग्रेडिएंट्स थे। ओवरहेड यानी जो चार्जेस हम एक्स्ट्रा जो हम पे करते हैं किसी चीज़ को लेकर, एक्स्ट्रा जो सैलरी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है, जो हम जो भी चीज़ है जो इनडायरेक्ट वे में है, वो ओवरहेड आ जाएगा। मशीनरी, अगर मान लीजिए हम आलू बनाए तो मशीन जो यूज़ कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, उन सबका मेंटेनेंस चार्ज, वो सारा चार्ज, या फिर लेबर जो हमारे लिए जो मराज लगे हैं, जो आदमी लगे हैं जो हमारे लिए बना रहे हैं, तो वो सब लोग। और फाइनेंशियल कॉस्ट, हमने अगर मान लो लोन पे काम कर रहे हैं, या फिर हमने किसी से रेंट पे कुछ लिया, वो सारा कॉस्ट। इन सब को आलू का पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद जो हमारा नेक्स्ट अमाउंट बचता है वो प्रॉफिट है। लास्ट में जार में आप देख रहे हैं, पहले मान लीजिए 500 ml जार में पानी था, 500 ml में हमारा इन्वेस्टमेंट भी था और हमारा कॉस्ट भी था, सारा था, हमारा रेट भी था, सब कुछ था। उसके बाद हमने अगर 300 ml अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, तो जो 200 ml बचा वो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। यानी अगर 500 रुपये हमारे पास 500 ml पानी था, तो जो 200 रुपये आखिरी में बचा वो हमारा प्रॉफिट हुआ। ये सिंपल एक रिलीवेंट एग्जाम्पल है प्रॉफिट और पानी को रिलेट करके। चलिए अगली स्लाइड पर हम आते हैं। लास्ट जो हमारा है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंपनी, मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट में है या नहीं तो लॉस में है। इट इज़ एन द पावरफुल टूल फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। और द थ्री टेक्निक, द ब्रेक इवन एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ प्रॉफिट फोरकास्टिंग। द ब्रेक इवन एनालिसिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ द फर्म इन रिलेटेड टू इट्स वॉल्यूम ऑफ सेल्स, एंड पर्टिकुलरली द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट वॉल्यूम एट विच द फर्म कॉस्ट एंड रेवेन्यू विल बी इक्वल। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ यूजिंग ब्रेक इवन चार्ट एज एन एनालिटिकल डिवाइस टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट एंड सेल ऑन टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, एंड अल्टीमेटली ऑन टोटल प्रॉफिट। ब्रेक इवन एनालिसिस इज द वेरी जनरलाइज अप्रोच फॉर डीलिंग विद अ वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एसोसिएट विद प्रॉफिट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। आप बिल्कुल सिंपल वे में से समझे, ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम कंपनी को ऐसे स्टडी करते हैं कि जहाँ पे कंपनी लॉस में ना रहे, भले वो प्रॉफिट में हो ना हो वो हमें नहीं, हर कंपनी का ये चाहेगा कि भले वो इनकम करे ना करे या प्रॉफिट कमाए ना कमाए, बट कम से कम लॉस में ना हो, जो उसने उस इन्वेस्टमेंट लगाई वो उसकी डूबे तो ना, लॉस में तो ना जाए। तो ये वही पॉइंट, ये ऐसा सिनारियो है जहाँ पर कंपनी आके इस कंडीशन में खड़ी हो जाती है, इस कंडीशन में आ जाती है जहाँ पर ना वो लॉस में होती है ना वो प्रॉफिट में होती है। बहुत जनरल एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा है और उसके पास जस्ट चॉकलेट्स है, वो 10 चॉकलेट बेचना चाहता है, उसने सोचा कि वो 1 रुपये की एक चॉकलेट लाए, यानी 10 रुपये उसका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, और वो 10 चॉकलेट बेचना चाहता है। उसने सोचा चलिए मैं 1.5 रुपये की एक चॉकलेट बेचूंगा, यानी 3 रुपये में 2 चॉकलेट उसने बेचना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी चॉकलेट बिकी नहीं रही है, दोपहर हो गई, उसने सोचा यार कहीं तो गड़बड़ है, तो उसने सोचा चलिए एक काम करते हैं, प्रॉफिट भले ही ना कमाएं तो एक काम करते हैं 90 पैसे में बेचते हैं, यानी 1 रुपीज़ 80 पैसे में वो 2 चॉकलेट बेचेगा। फिर उसने सोचा कि अरे अगर मैं इसे 90 पैसे में बेचूंगा तो मुझे 10 पैसे पर चॉकलेट का लॉस हो रहा है, तो उसने ये सोचा कि एक काम करते हैं, चलो कम से कम हमारा प्रोडक्ट भी ख़राब ना हो, बहुत दिन हो गए हैं या बहुत टाइम हो गया है, ऐसे एक काम करते हैं 1 ही रुपये में बेचते हैं, कम से कम ना लॉस में रहेंगे ना प्रॉफिट में रहेंगे। ये है ब्रेक इवन एनालिसिस, ये है ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर लड़का ऐसे आके फंस गया कि वो ना लॉस में रहा ना वो प्रॉफिट में रहा, उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट उसे जितनी थी उसे तुरंत उतनी ही मिल गई।
यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे हैं या एक ग्राफ देख रहे हैं, ब्रेक इवन। यहाँ पे कंपनी है जो कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट शो कर रहा है, जो वर्टिकल एक्सेस है वो डॉलर या करेंसी या अमाउंट ऑफ मनी विच ही गेट फॉर आफ्टर द सेलिंग द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट सॉरी वो गेन वो मिल रहा है उसे। जो ऑरेंज लाइन है जो कि थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है थोड़ा सा इंक्लाइंड है, वो टोटल कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की कंपनी के प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट। और जो येलो लाइन है वो टोटल रेवेन्यू है, यानी अगर हम ऑरेंज लाइन को बोले तो टीसी को द्वारा शो करेंगे, और इसको जो येलो लाइन है वो टी आर के। यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे हैं जो कि व्हाइट डॉट से शो हुआ है, उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर शो करना है। ये क्यों शो कर रहे हैं हम उसको आगे बताते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है आप देख रहे हैं, इस व्हाइट पॉइंट के पहले जो रेड लाइन शो है वो आपको कंपनी का बता रहा है कि वो लॉस में जा रही है, और अगर ग्रीन की तरफ बढ़े तो प्रॉफिट में जा रहा है। यानी कंपनी एक ऐसी सिचुएशन ऐसी पॉइंट में आ गया है जहाँ पे ना उसे लॉस लेना है ना ही प्रॉफिट लेना है। यानी द ब्रेक इवन पॉइंट शो द सिचुएशन द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच ही हैज़ टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड वेयर ही कैन नॉट गो एट द कंडीशन ऑफ लॉस और आइदर एन द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप देखें वो वर्टिकली क्यों उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो किया, वो इसलिए शो किया है वो यूनिट का अमाउंट शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अगर वो ये बता रहा है कि इतनी यूनिट तक अगर आप प्रोडक्शन करेंगे अपनी कंपनी में अपने प्रोडक्ट का, चाहे वो आप कुछ भी चीज़ बनाएं, चाहे वो पेन ड्राइव बनाए, चाहे वो समोसे बनाए, चाहे वो आप कलाकंद बनाए, चाहे वो बैग बनाए, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी बनाते हैं, इस पॉइंट पर इस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन पर कंपनी ना तो प्रॉफिट में रहेगी ना ही लॉस में रहेगी। यानी वो कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट जितना उसने उस प्रोडक्शन में लगाया है वो पूरा का पूरा वापस रीगेन कर लेगी। तो आप मुझे उम्मीद है कि इस ब्रेक इवन पॉइंट से आप पूरा कुछ समझ चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकल एनालिसिस। विदाउट प्रैक्टिकल एनालिसिस हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट का एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी प्रोफिटेबिलिटी ओवरऑल कहाँ पर मिलेगी, अगर हम कैसे हम ओवरऑल प्रोफिटेबिलिटी को गेन कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी चाहती है कि आज से 1 महीने बाद वो इतने पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट गेन कर ले तो उसे कितना सेल करना है, तो लेवल ऑफ सेल को करने के लिए प्रैक्टिकल अप्लायंसेस है ब्रेक इवन एनालिसिस। रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, एक कंपनी है और वो प्रोडक्ट में चेंज कर रही है तो उसका रेवेन्यू कॉस्ट कैसे चेंज होगा, क्या होगा उसके साथ, कहाँ पर उसकी सेल आएगी, वो सब निकालने के लिए थर्ड पॉइंट ये बताता है कि हम क्या ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे हेल्प होगी। वॉट हैपन टू ओवरऑल प्रोफिटेबिलिटी इफ अ कंपनी परचेज न्यू कैपिटल इक्विपमेंट और इनक्योर्स हाई और लोअर फील्ड और वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम कोई नए चेंजेस करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने इक्विपमेंट में तो उसकी हमारे इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो फिर हमें उस इन्वेस्टमेंट को बैरियर करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को रीगेन करने के लिए और साथ साथ प्रॉफिट को रीगेन करने के लिए कितनी सेल करनी होगी, क्या करना होगा, क्या कॉजेज होंगे, क्या इफेक्ट आएगा हमारे सेल्स पर, ये सब। दो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हैं, ज़्यादा मार्जिनल ज़्यादा सेफ्टी ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, यहाँ से भी प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ से भी मिल रहा है बट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, इसको देखने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। व्हाट आर द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ चेंजेस द प्रोसेस ऑफ प्रॉफिट, प्रोसेस ऑफ प्रॉफिट में चेंजेस रेवेन्यू को हम किस तरह से देख सकते हैं ये भी, और कितना लीस्ट और इक्विपमेंट कैपिटल इक्विपमेंट हम कैसे लगा सकते हैं, कितने कम से कम इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में करके हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सब भी हम देखते हैं। चलिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने देखा था वो ब्रेक इवन पॉइंट का लाइन बाय लो डायरेक्ट लाइन के द्वारा हुआ था, बट अब हम थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ग्राफ या दो कर्व शो हो रही हैं, जो आप यू द उल्टा यू जो आप देख रहे हैं, द अपोजिट यू आप जो देख रहे हैं उल्टा हुआ है वो है टी आर, दैट इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट। सेम पूरा क्राइटेरिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस नंबर ऑफ यूनिट शो करेगी, वर्टिकल एक्सेस द कॉस्ट और द टोटल रेवेन्यू शो करेगा। तो जो आप देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू जो है वो उल्टा जो यू है वो है, और जो थोड़ा सा कर्व फॉर्म है एस फॉर्म है वो टोटल सी है। यहाँ पर आप देखें तो क्यू ए जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे शो हो रहा है, क्यू बी भी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे। क्यू ए जो है अगर आप क्यू ए के पहले तक प्रोडक्शन करते हैं किसी यूनिट का तो हम लॉस में रहेंगे, जो एरो शो कर रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड पे, और अगर क्यू सी के बाद अगर हम करते हैं तो प्रॉफिट में रहेंगे। और जो क्यू सी है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ना हम लॉस में है ना प्रॉफिट में, यानी क्यू सी हमें ब्रेक इवन पॉइंट दिखाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। थैंक यू, ये हमने शुरू से लेकर आखिरी तक आपको पूरा प्रॉफिट मैनेजमेंट
बताया कैसे कंपनी प्रॉफिट को जानती है, उसकी पॉलिसी बनाती है, उसकी कंट्रोलिंग करती है और साथ ही साथ फोरकास्टिंग करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा पकड़ बनने के लिए, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर यू फ्रॉम द होल डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी एंड द कैंपस। थैंक यू वेरी मच।